नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना, आपकी फ्रेंड माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम सबकी विश लिस्ट में, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, चाहे हम छोटे हों, यंग हों, बड़े हों, मिडिल एजड हों या ओल्ड भी हों, तो हम सबकी विश लिस्ट में सबसे पहला नंबर जिसका रहता है वो है आज का टॉपिक। एनी गेसेस? टॉपिक है प्यार या लव। होता क्या है ये? किसी के साथ रहना, किसी की तारीफ करना, किसी से तारीफ पाना, किसी को अपना बना लेना या किसी का हो जाना। करेक्ट? यस, यू आर करेक्ट। प्यार इसी का नाम है। अब ये सब करते कैसे हैं? इसके लिए हम चलते हैं नीचे, डीप। लेट्स गो टू सर्च फॉर द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड लव। तो फ्रेंड्स, प्यार अगर हमें किसी को देना है सचमुच, या किसी से पाना है, तो उसके जो मेथड्स हैं, जो उसमें रिक्वायर्ड है, वो बताती हूँ मैं आपको। मैंने एनालाइज किया है, देखा है, समझा है और पढ़ा है, तो वो सब चीजें मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची हूं मैं आपसे शेयर करने चली आई। प्यार है फ्रीडम देने का, स्वतंत्रता देने का। किसी को हम सचमुच चाहते हैं तो हम उसे कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, बल्कि हम उसको छूट देंगे टू बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो जो भी है, जैसा भी है, वी लव हिम द वे ही और शी इज। स्वतंत्रता, जो भी उसे करना है, जिस तरह से उसे बोलना है, जो भी उसकी हॉबीज हैं, जिन चीजों से वो खुश होता है, उस चीज में उसका साथ देना। किसी को स्टार गेजिंग चाहिए तो हम उसे लाइब्रेरी ना ले जाएं। किसी को फाइन आर्ट्स चाहिए तो हम उसको पढ़ाई की बातें ना करें। किसी को बहुत पढ़ना है तो हम उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको हम छूट दें कि वो जो चाहे वो करे। दूसरी बात, प्यार होता है ना समय देने का, एंडलेसली, बिना काउंट किए, बिना फील किए और बिना जताए। अगर किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उसको उसकी एक्टिविटी में सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं कि मुझे काउंटलेस लोगों से ये मिला है और इसीलिए मुझे उनसे प्यार है। तो समय देने का नाम। तीसरा है प्यार प्रोग्रेसिव होने का, उस पर्सन के लिए जिसे हम चाहते हैं, जो उसके गोल्स हैं वो ही करने में हम उसकी मदद करें, सलाह दें, गाइड करें, हेल्प करें, सपोर्ट करें, फाइनेंस करें, ये सब करें उसके लिए, तो और उसकी खुशी में खुश हों। प्रोग्रेसिव होना। और एक और चीज है प्यार की, अपनी एक्सपेक्टेशंस जितना हो सके वो रिड्यूस करना, जिससे उस पर प्रेशर ना आए। दोस्तों, ये सब करना समझ में आ भी जाता है तो भी बेहद मुश्किल है। मुझे भी ये मुश्किल ज्यादा होती थी, अब मैंने खुद को ये सब समझते हुए ट्रेन किया है, अपने आप को ग्रूम किया है इसमें, और मैं अपने जिस भी रिश्ते में ये फॉर्मूले लगाती हूँ वो रिश्ता मेरा निखर उठता है। जिन बातों पे मैं बुरा मानती थी, अब मैंने वो छोड़ दिया है, तो ब्लिस ही ब्लिस है फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट। अब आपको लास्ट में ये बताती हूँ कि ये सब हमें हर व्यक्ति को कौन देता है। एक लोग हैं जो हमेशा देते हैं, वो हैं माता पिता। तभी तो माता पिता प्यार की मिसाल हैं, और उनका प्यार है निस्वार्थ। प्यार दोस्तों कुछ पाने का, मांगने का नाम नहीं है, बट कुछ देने का नाम है, कि देते जाने का नाम है। खुद को, अपने एफर्ट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रेयर्स को, अपने टाइम को, अपने मनी को देने का ही नाम है प्यार। और इस तरह से प्यार करके देखिए तो बदले में जरूर प्यार मिलता है।
एक्सेप्शंस हो सकते हैं 100 में से एक, लेकिन 99% मैं कहूंगी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और ये चीजें समझने और अप्लाई करने से मेरा जीवन खिल उठा है। मैं वही चाहती हूँ आपके लिए भी। अगर प्यार करना है किसी से भी, तो माता पिता के लेवल तक तो हम पहुँच कर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माता पिता से या अपने बच्चों से हम कैसे प्यार करते हैं वो तो हमें महसूस करना आता ही है। तो वहाँ पर हम चीज़ें माइंड नहीं करते, चीज़ें बहुत दिनों तक मन में शिकवे शिकायत होल्ड नहीं करते। यही है प्यार। जिस भी रिश्ते को आपको सुगंधित करना हो, महकाना हो, उसमें यही फॉर्मूले डालिए। 2-4 बार एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आदत कम है, तो जब आदत हो जाएगी तो यही बहुत आसान हो जाएगा। पहले नामुमकिन से मुश्किल होगा, मुश्किल से फिर नॉन मुश्किल या आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जीवन भर भरपूर प्यार सम्मान मिले, इसी आशा के साथ, इसी प्रेयर के साथ और आपके प्रति आभार के साथ कि आप मुझे रोज टाइम निकालकर सुनते हैं, इसी के साथ धन्यवाद देते हुए प्यार भरा नमस्कार। कल मिलते हैं। टेक केयर।